दिल्ली के अलावा मथुरा में भी यमुना उफान पर है, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसके चलते पंचकोशी परिक्रमा मार्ग को रोक दिया गया है। एनडीआरएफ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में मोर्चा संभाल रखा है। मथुरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से कई इलाकों में लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। मथुरा में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यमुना प्रयाग घाट पर 166 मीटर को पार कर गई है, जिससे जिले के 40 गांव और 12 कॉलोनियां बाढ़ की चपेट में हैं। मथुरा के निचले इलाकों में पानी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। घरों में पानी भरने से स्थानीय लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। कई इलाकों में लोग फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। मथुरा में एनडीआरएफ ने 47 मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। वृंदावन में बाढ़ के पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पिछले 7 साल से मृतक आश्रम में रह रहा था। मथुरा में बाढ़ के चलते वृंदावन का पंचकोशी परिक्रमा मार्ग बाधित हो गया। बांके बिहारी मंदिर जाने वाला वीआईपी मार्ग भी बाधित हो गया। यमुना के जलस्तर बढ़ने के बीच जहां एक तरफ लोग पलायन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यमुना का स्वागत भी किया जा रहा है। जगन्नाथ घाट पर संतों ने यमुना नदी की आरती की। लोगों का कहना है कि यमुना नदी कई सालों के बाद अपने पुराने स्वरूप में वापस आई है।